Namaskar. Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Jayati Jagatasun Prasutir Vishwatma Sahaja Bhushanam Navasaha Druta Kanaka Sadrusha Dashashata Mayuka Malarchita Savita Shri Matre Namaha. Sabhi Bharati Vasiyon ko Pranam aur Jo Sampraday ko Jo Jyotish Shastra ko Niyam ko Samajhte hain Jo Jyotish Shastra ko Samman karte hain Un logon ko Vishesh Pranam karke Aaj Narendra Modi ji ka Horoscope ke bare mein hum discussion kar rahe hain. Narendra Modi ji ka गवर्नमेंट गिरने वाले क्या? ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जो काम किया वो बहुत गलत काम किया, इससे मोदी जी का गवर्नमेंट गिर रहे हैं, सो बीजेपी आगे नहीं चलता है, इससे नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारा मुश्किल काम फेस करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारा योजना अभी आ रहे हैं, सभी लोग सोच रहे क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, मोदी जी का पूर्ण जातक क्या है, वो क्या करने वाले. आज ये पूरा विषय को हम डिस्कस करेंगे. आप सभी भी, मैं जो ज्योतिष शास्त्र के विषय कह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अदर्स एंड मी, बिकॉज आई एम एन क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर. आई सबमिटेड माय पीएचडी इन यूजीसी एंड आई एम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर. आई कंप्लीटेड माय एमए संस्कृत एंड एमए एस्ट्रोलॉजी एंड पीएचडी. सो काइंडली गिव द रिस्पॉन्स टू दिस होरोस्कोप. सो इफ यू बाय लिसनिंग विद अदर पीपल, जस्ट यू थिंक अबाउट दैट देयर क्वालिफिकेशन. So, kindly give the response to this video, okay? Now, we are discussing about the Narendra Modi's horoscope. क्या नरेंद्र मोदी जी का horoscope क्या है? नरेंद्र मोदी जी का birth time है 17 September 1950 and the time is 11 a.m. at Wadnagar. So, मोदी जी का जब जन्म हुआ था तब लग्न का कैसे था? वो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि में विष्कम्भ योग में और तैतल कर्ण में मोदी जी का जन्म हुआ. वही अनुराधा नक्षत्र में द्वितीय पादे में. अभी अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक लग्न के बारे में आता है. अभी जन्म हुआ है वृश्चिक लग्न में, वो रवि उदय होने के बाद तीसरा लग्न में पैदा हुआ है, वो वृश्चिक लग्न होता है. वृश्चिक लग्न लग्न में कुज ग्रह हैं और चंद्र ग्रह हैं. अब हम एक एक स्थान को डिस्कस करते जाएंगे. अभी वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में जो जन्म लेता है वो बहुत आदमी हिम्मत से रहता है, धैर्य से रहता है, क्योंकि उसमें कुजग्रह हैं. लग्नाधिपति कौन है बोले तो कुजग्रह हैं. कभी भी कोई भी स्थान को हम विचार करें तो वो स्थान का स्थानाधिपति कैसे, वो लग्नाधिपति कैसे हैं, क्योंकि अभी आपका घर है, आप घर में रहे तो कैसे रहते हैं, बाहर के दूसरे घर में रहे तो कैसे रहते हैं, थोड़ा एटीट्यूड में डिफरेंट आता है नहीं, क्योंकि हम उतना फ्रीडम नहीं रहते. जो हमारा घर में जो हमको हिम्मत रहता है वो दूसरों के घर में उतना हिम्मत नहीं रहते. वैसे आप आपके घर की मालिक है, घर की मालिक है, मगर घर आपकी लोन में है. आपको उतना हिम्मत रहते है कि जितना लोन वालों को जो नहीं है, नहीं रहते ना. वैसे वृश्चिक लग्न है, जो वृश्चिक लग्न का अधिपति कौन है बोले तो कुजग्रह है. ये किसी का दूसरे का घर में नहीं है, वो खुद के घर में है. वृश्चिक लग्न में ही कुजग्रह स्थित है. वृश्चिक राशियाधिपति कौन है बोले तो कुजग्रह है. जो मंगल ग्रह वही स्थान में है, वो स्वक्षेत्र में है. उसमें जातक पारिजातक में पांचवा अध्याय में श्लोक आता है, जो राजयोग अध्याय बोल के अध्याय है, उसमें पंचमहापुरुष योग अध्याय के बारे में एक प्रधान श्लोक है. क्योंकि मैं क्यों श्लोक बोल रहा हूँ बोले तो कुछ लोग जो मन चाहे वो बोल देते. मैं जो मोदी जी का होरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ शास्त्र की तरफ से डिस्कस कर रहा हूँ. जो मेरी मन की बात नहीं बात कर रहा हूँ, शास्त्र की परिभाषा बात कर रहा हूँ मैं. अभी लग्न में कुछ रहे तो क्या है? मूल त्रिकोण निजतुंग ग्रहोपयाता भौमग्न जीवसित भानुसुता बलिष्ठा केंद्र स्थिता यदि यदा रुचभद्र हंसा मालव्य चारु शशयोग करा भवंती. बोल के ये पंचमहापुरुष योग का एक श्लोक है, ये फलदीपिका में रहता है. आप कौन से भी ग्रंथ में ले लीजिए, पंचमहापुरुष योग का तत्व मालूम होता है. ये पंचमहापुरुष योग में क्या होता है बोले तो जिसके जातक में कुजग्रह स्वक्षेत्र में रह के बलिष्ठ बोल के रहते हैं ना, उसी जातक को क्या कहते हैं, रुच महापुरुष योग कहते हैं. ये रुच महापुरुष योग का लक्षण क्या है बोले तो समस्त भूमंडल का परिपालन करने का ताकत मिलता है, उन लोगों को हिम्मत मिलता है. और बुध ग्रह बोल के देखे तो बुध ग्रह भी कन्या राशि में, एक बुध ग्रह एकादश स्थान में. बुध ग्रह का क्या होता है, भद्र महापुरुष योग बोलते हैं.
बुध ग्रह उच्च स्थान में है, इसमें उच्च स्थान में रहने से इसको भद्र महापुरुष योग मिल रहे हैं, और बुध और रवि दोनों मिलके बुधादित्य योग मिल रहे हैं, जिसको बहुत दिमाग सोचने का कैलकुलेशन मेथड इतना फास्ट होता है, इतना तेज से चलता है, उतना तेज से चलता है, जिसकी जातक में एकादश स्थान में नहीं तो दशम स्थान में भाग्य स्थान में भी हो, मगर टॉप नंबर वन एकादश स्थान है, उसमें बुध और रवि ग्रह दोनों मिलके रहे तो क्या होता है, द बेस्ट मैथमेटिक कैलकुलेटर्स एंड द बेस्ट एनालिटिक पावर्स फ्यूचर को देख सकते, क्या ये काम करने से क्या क्या होता है, बहुत सारा दिमाग रहता है इसमें, तेज दौड़ता है दिमाग उसका। और इसकी जातक में दो महापुरुष योग है, वो रुच महापुरुष योग है और बुध की तरफ से भद्र महापुरुष योग है। जातक में पंच महापुरुष योग में एक रहे तो भी राजा बन सकता है, मगर इसमें दो गए, उसके लिए सीएम बन गए और पीएम भी बन गए, और बुधादित्य योग भी है।